खबरों में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हरियाणा में पारदर्शी और मेरिट के आधार पर सरकारी भर्तियों की नई परिपाटी शायद विपक्षी पार्टियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार ने नौकरियों में भेदभाव किया और हिसार जिले के नारनौद हलके के गांव खांडा खेड़ी से ग्रुप डी भर्ती में फॉर्म भरने वाले सभी यानी कि 65 के 65 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। आपको बता दें कि इस गांव से कुल 5 बच्चे ही ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं, जिससे दुष्यंत चौटाला के आरोपों का खंडन हो जाता है। तो सवाल यहां पर ये कि क्या अब जेजेपी झूठ की राजनीति पर उतर आई? तो आइए अब आपको जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ग्रुप डी की भर्ती के परिणामों में खांडा खेड़ी के रिजल्ट पर सवाल उठाए थे। उनके गांव से 65 बच्चों ने फॉर्म भरा, 65 के 65 नौकरी लग गई ग्रुप डी के अंदर। ये ईमानदार सरकार मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु। उनके गांव से 65 बच्चों ने फॉर्म भरा, 65 के 65 नौकरी लग गई ग्रुप डी के अंदर। ये ईमानदार सरकार मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु। उनके गांव से 65 बच्चों ने फॉर्म भरा, 65 के 65 नौकरी लग गई ग्रुप डी के अंदर। ये ईमानदार सरकार। वहीं खांडा खेड़ी गांव के सरपंच विजेंद्र शर्मा ने दुष्यंत चौटाला के आरोपों का खंडन करते हुए दुष्यंत चौटाला पर गांव को बदनाम करने का आरोप लगाया। गांव के सरपंच ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ रोष जताते हुए और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा विजेंद्र शर्मा नाम है, गांव खांडा खेड़ी का सरपंच प्रतिनिधि। हाँ जी, कितनी सच्चाई इस मामले में? बिल्कुल सारी झूठ है जी। कहना मेरी सीट का जवाब था आपके मीडिया के माध्यम से, जब भी दुष्यंत चौटाला या खांडा केड़ी में आएगा उसके माध्यम से जवाब लिया जाएगा। और उसका बड़ा मान सम्मान हमारे बुजुर्गों ने सिखा था, बाहर का किसी भी राजनीतिक पार्टी का, उसका मान सम्मान करो, उसको मतलब अच्छा इज्जत दो। लेकिन उसने हमारे गाँव को इतना बदनाम करने की कोशिश की थी, इसका जवाब दुष्यंत चौटाला से ही लिया जाएगा और उसी से पूछा जाएगा इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ। बिल्कुल उसने मतलब बिल्कुल मतलब इस गाँव खंडा हमारे गाँव को पूरे को छत्तीस जाति को इस मामले में ठेस पहुँची। सरपंच को आपने सुना क्या कुछ कहना था उनका? तो वहीं खांडा खेड़ी गांव के ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला के आरोपों का खंडन करते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। और पेपर तो 200-250 परसेंट दिए तो सच है, ये सच है बिल्कुल। और 65 बच्चों वाली, 65 बच्चों वाली बिल्कुल झूठ। क्या सच्चाई है इस बात में 65 बच्चे लगे? 5 लगे हैं, तो दुष्प्रचार है कि यहाँ ने इतने बच्चे लागे दिखाए हैं, 60-70 जो भी है, ये दुष्प्रचार है। लेकिन 4-5 बच्चे लगे जो ने व्हाट्सएप पर रखी है सब झूठ है। हमारा गांव के जो ने 6 बच्चे लगे, एक वेटिंग में है, 5 बच्चे जो ने सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके पूरे एड्रेस ले लो, आधार कार्ड ले लो, इंक्वायरी कर दो। एक ही दो बालक पढ़ रहे थे, वो 5-6 लगे, और ये 65 वाली तो मेरा सरासरी झूठ। दुष्यंत चौटाला का आरोप सुना आपने, खांडा खेड़ी गांव के सरपंच और ग्रामीणों की बातें भी सुनी आपने, लेकिन अब हम आपको उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि दुष्यंत चौटाला के आरोप निराधार हैं। दरअसल ग्रुप डी की भर्ती के परिणाम जब आए तो आरोप लगाया गया कि खांडा खेड़ी गांव के 65 के 65 परीक्षार्थियों का चयन हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि खांडा खेड़ी गांव के 65 में से महज 5 परीक्षार्थी ही चयनित हो पाए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ग्रुप डी में भर्ती में खांडा खेड़ी के वो 5 सफल परीक्षार्थी कौन है। अंकित, इनके पिता का नाम राजवीर सिंह है। रमन, इनके पिता का नाम धर्मपाल है। संदीप, इनके पिता का नाम धर्मवीर है। गुरमीत, धर्मवीर के पुत्र हैं। वहीं सुनील आजाद सिंह के पुत्र हैं। तो ये वो 5 बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। दुष्यंत चौटाला के आरोप गलत साबित होने के बाद अब खांडा खेड़ी गांव के लोग दुष्यंत चौटाला से
ये सवाल पूछ रहे हैं। ग्रुप डी के परिणाम में जेजेपी का झूठ बेनकाब हो चुका है, क्या झूठ के सहारे जेजेपी राजनीति करेगी? ग्रुप डी के परिणाम पर क्यों दुष्यंत ने झूठ बोला? नारनौद में चुने गए 5 तो क्यों बताया 65? इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सरपंच जुड़े हैं, ब्रजेंद्र शर्मा, खांडाखेड़ी के सरपंच हैं आप। जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेंद्र जी आपका। धन्यवाद ब्रजेंद्र जी। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि 65 के 65 बच्चों का सिलेक्शन हो गया और सरकार ईमानदार नहीं है, सच्चाई दर्शकों को बताइए। ऐसा जी, दुष्यंत चौटाला के दादाजी की, परदादा जी की, इनके पिताजी की, इनकी तो छवि हमेशा झूठ बोलने की, भ्रष्टाचार की इसमें है। जिस मामले में काफी बताने की जरूरत भी नहीं है, सजा काट रहे हैं। बिल्कुल ईमानदार सरकार है, ईमानदार मामला। जब भी दुष्यंत चौटाला कैप्टन साहब के गाँव खांडाखेड़ी में आए हैं, हमारे गाँव में, हमने इसका बड़ा स्वागत किया गाँव वालों ने, क्योंकि हम 1956 से राजनीति कर रहे हैं जी। आज तक चौधरी सूरजमल से लेकर पंजाब ज्वाइंट में चौधरी स्वरूप सिंह, अमर सिंह, दानक, जसवंत, कैप्टन साहब, आज तक हमारे गांव के किसी भी नेता पे मतलब कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारे नेता 36 बिरादरी से लेके गांव का विकास करते हैं। हमारा कैप्टन साहब का एक ही वसूल है, मतलब जो काबिलियत में पास होगा उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को मेरिट पाओ, नौकरी लाओ जी। ये चीजें है जी हमारे गाँव के लिए, और हमारे गांव को बिल्कुल ठेस पहुंचे। हम दुष्यंत चौटाला जी, मीडिया के विजेंद्र जी, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चों की भर्ती हुई है? हमारे गांव में 300 से ऊपर बच्चों ने फार्म भरा था, 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चा धर्मवीर का, कुमारों का लड़का था, जो स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट से हुआ था, उसको ग्रेजुएशन नहीं मिल पाई थी। उसके बाद 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, एक ब्राह्मणों का लड़का है, 3 जाटों के लड़के हैं। मतलब बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शी से उनको अपनी काबिलियत के हिसाब से उनका एडमिशन हुआ है जी। ब्रजेंद्र जी आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे ब्रजेंद्र जी। हमारे साथ में जवाहर यादव भी जुड़े हुए हैं, जवाहर यादव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं आप। जवाहर जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद जवाहर जी। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि ग्रुप डी में 65 बच्चों ने परीक्षा दी, उनका 65 के 65 का सिलेक्शन हो गया, लेकिन खांडाखेड़ी गांव के जो 65 बच्चे हैं और सरकार ईमानदार नहीं है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए दुष्यंत चौटाला इस योग्य, उनकी गंभीरता खत्म हो चुकी जी। वो आरोप लगाते हैं, आज तक उन्होंने जितने आरोप लगाए हैं वो निराधार लिखने। मेरा कहना दूसरा है जी, अगर खांडाखेड़ी गांव के 65 के 65 बच्चे भी अगर नौकरी लग जाते जी, तो उसमें बुराई क्या है? योग्यता के आधार पर एक गांव से कोई भी नहीं लग सकता, एक गांव के सभी भी लग सकते हैं। हमारी सरकार में पैमाना केवल योग्यता है, ना कि कोई गांव है। अगर किसी गांव के बच्चे पढ़ने वाले, मैं ऐसे ऐसे गांव में गया जहां 125 से ऊपर लोग नौकरी लग चुके, और वो बताते हैं कि जी हमारे गांव से 125 बच्चे नौकरी लगे, किसी से एक भी नहीं लगे, तो ये तो इससे किसी गाँव का क्या लेना देना। अगर मान लीजिए गाँव के बच्चे अपनी मेहनत से आज 5 लगे हैं, कल को 10 भी लग सकते हैं, 65 भी लग सकते हैं, तो ये विषय तो तब होता है ना जब आप नौकरियों में बंदरबांट करते हो, जैसे इनके नेता अजय चौटाला करते रहे और इसके कारण वो आज 10 साल की सजा काट रहे हैं जी। ये तो योग्यता के आधार पे नौकरी, अगर फिर ना इस गांव के 65 के 65 बच्चे भी कभी अगर चयन हो जाता तो वो अपनी योग्यता के आधार पे होता, तो उसमें बुराई क्या है? तो इन ये आज तक उस चीज को बचा नहीं पा रहे कि जो बंदरबाट ये नौकरियों में करते रहे हैं, कि किसको नौकरी लगाना किसको नहीं लगाना, ये अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं है। ये केवल भरम फैलाकर इनको लगा इससे हम कैप्टन अभिमन्यु जी को बदनाम कर लेंगे, उनके प्रति प्रदेश में या इस गांव के अलावा बाहर के गांव में गलत मैसेज देंगे कि देखिए इसने अपने गांव के लोगों को कर लिया और बाकी को नहीं किया। तो जो तुच्छ मानसिकता की राजनीति है जी। मैं ये कहता हूँ हो सकता है कि नानोद से कोई ना लगे परंतु अचानक से 500 लोग जग जाए। ये सरकार से तो नौकरी केवल योग्यता के आधार पर मिलती है, वो एक गांव से 10 लोग भी गलत लग सकते हैं, एक गांव। जवाहर जी जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला सार्वजनिक मंच से बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे थे कि 65 के 65 बच्चों का उन्होंने जिक्र किया, अब तो फिलहाल सच्चाई हमारे सामने है कि 5 बच्चों की भर्ती हुई है, 5 बच्चे सामने हैं, तो राजनीतिक माहौल में इसका कितना नुकसान पार्टियों को होता है और क्या इस तरीके के बयान जायज हैं?
देखिए दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता जी। इन्होंने एक दवाई का घोटाला का आरोप लगाया था, वो फर्जी निकला। इन्होंने कुल मिला के ये सोचते हैं कि नारनौत सीट से मैं चुनाव लड़ूं तो कैप्टन अभिमन्यु को केवल ये दिखाऊं कि केवल वो अपने गांव की सोचते हैं, परंतु उनको समझ ये नहीं आ रहा कि ये नौकरी है जिसने मनोहर सरकार को और आगे ले जाने का काम किया है। आज इनके गांव से मान लीजिए 5 लोग लगे हैं, बगल के गांव से 2 लगे होंगे, कहीं 10 लगे होंगे, तो ये एक आक्रोश पैदा करना चाहते हैं कि इस चीज पे घेरे कि ये गांव के लिए कैप्टन अभिमन्यु, ये कैप्टन अभिमन्यु के विषय हाथ में नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी के भी हाथ में नहीं है कि नौकरी कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा। नौकरी तो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर लगेगा, तो आज कोई भी इनको सुनने को तैयार नहीं। और जैसे भी सरपंच साहब बता रहे थे कि मैं इनकी बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, जिनके परिवार के 2 लोग खुद नौकरियों में बेईमानी करने के कारण सजा याफ्ता कैदी हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक के क्या नाम है माननीय न्यायालय ने इनकी उस पर मोहर लगाई है, तो ये अगर नौकरी में पारदर्शिता की बात करते तो हरियाणा के लोगों को हजम नहीं होती। और दूसरा, ये अपने आप को चौधरी देवीलाल के वंशज कहते हैं, उनकी नीतियों को काम करने लिए कहते हैं, जो सत्ता के लालच में परिवार को तोड़ बैठे जी। तो वो कैप्टन अभिमन्यु के आसपास के गांव में भी प्रतिशोध और वैसे तोड़फोड़ की राजनीति करेंगे। तो हरियाणा के लोगों को इनका करैक्टर पता है, इनका चरित्र का सबको पता है, तो दूसरे चौटाला बिल्कुल जवाहर जी आपके पास वापस आएंगे। बृजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खांडा खेड़ी के सरपंच हैं आप। बृजेंद्र जी, खांडा खेड़ी को सार्वजनिक मंच से इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है दुष्यंत चौटाला की तरफ से, आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहे? वो अपने राजनीतिक चमकाने के लिए अब उसको कहीं थोड़ ठिकाना मिल नहीं रहा जी। दो आदमी मतलब अपने उसी न्यायालय ने उसके पिताजी को पैरोल दी थी, उसी न्यायालय ने उसके दादाजी को दी थी, जो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए अपने दादाजी ने जितने उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया उसको जेल में से नींद बंद करवा सकते हैं दोबारा। तो वो मतलब एक अच्छी छवि का आदमी को मतलब ऐसा है जी, बुराई लगाने से किसी का लग नहीं सकती जी। इस चीज का था हम आपके मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारे नानू दल के माप आइए और दुष्यंत चौटाला को लाइए, हर गांव में आपको अलग से विकास नजर आएगा, मतलब कहीं कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं रोड, कहीं नहर, कहीं कुछ चीजें जी, मतलब ये तो बिल्कुल हमारे 60 गांव हैं, 60 के 60 गांव में मतलब समान विकास, समान जो सरकार की पॉलिसी है वो है। और मैं तो दुष्यंत चौटाला को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर उसने साफ सभी की अच्छी सच्चाई की राजनीति करनी है तो वो खांडा खेड़ी जाके सीख ले या भाजपा में इंट्री करके भाजपा से मैं क्लास लगा के सीख ले, ऐसे कोई राजनीतिक नहीं चमकेगी ऐसे मतलब। बृजेंद्र जी आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ में दीप कमल सहारन जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी नेता है आपका। दीप कमल जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद। दीप कमल जी आपके जेजेपी के कद्दावर नेता है, नामी नेता है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि ग्रुप डी में खांडा खेड़ी के 65 बच्चों की भर्ती को लेकर के उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था, जिसके बाद अब सच्चाई सामने आई है कि महज 5 बच्चों की भर्ती हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? आपके नेता सार्वजनिक मंच से इस तरीके के बयान दे रहे हैं, गाँव को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है कि किसी गांव में ज्यादा बच्चे लगे हैं तो उसमें गांव के बदनाम होने का विषय कहां से आ गया जी। ये तो गांव के लिए अच्छी बात है अगर वहां के ज्यादा बच्चे लगते हैं, तो इसमें बदनाम करने वाली कोशिश कैसे है? और दीप कमल जी बात यहां पर सच झूठ की हो रही है, सार्वजनिक मंच से सच और झूठ की बात हो रही है, तो फिर आप बोल लीजिए। अब मुझे मेरी बात दूसरी लाइन में टोक रहे हैं आप मुझे, बिल्कुल बोले आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ गाँव को बदनाम करने का विषय कहाँ से आ गया, इस बात को आप गाँव से क्यों जोड़ रहे हैं? गांव में अगर कुछ बच्चे हैं और उनके पास उनको जानकारी आई है, अगर किसी ने उनको बताया है आकर कि इतने युवा वहां के लगे हैं ग्रुप डी में और वो उस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें गांव का विषय, गांव को बदनाम करने का विषय तो बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरा, क्या आपके पास उन 300 युवाओं के नाम और उनके फादर नेम, उनकी एज और उनका सब कुछ जानकारी है जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि 300 युवाओं ने आवेदन किया और 5 भर्ती हुए? क्या आपके पास उसी कोई आधिकारिक आरटीआई से प्राप्त की गई जानकारी है, किसी सरकारी दस्तावेज? दीप कमल जी, किसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई लिस्ट हो आपके पास? दीप कमल जी, हमने उन 5 बच्चों के नाम दिखाए हैं जिनकी भर्ती हुई है। क्या आप इस बात की 100% पुष्टि करते हैं आधिकारिक रूप से कि क्या आप 100% पुष्टि करते हैं कि 65 बच्चों का जिक्र दुष्यंत चौटाला ने सार्वजनिक मंच से जो किया था, हम नाम लगातार दिखा रहे हैं, रमन नाम है उनका, संदीप नाम है,
गुरमीत नाम है, धर्मवीर इनके पिता का नाम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई लिस्ट आपके पास है जिसमें इन सभी पांच या फिर पूरे जितने 18,000? दीप कमल जी, यही मैं आपसे पूछ रही थी, यही मैं आपसे पूछ रही थी, सवाल मेरा आपसे यही था कि क्या जेजेपी के पास कोई औपचारिक लिस्ट है, कोई लिस्ट है जिसके बिना पर आपने सार्वजनिक मंच से इस तरीके से कहा कि 65 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके पास जानकारियां आ रही हैं, लोग उनको बता रहे हैं। अगर आप चैनल पर उनको झूठा कह रहे हैं, कोई भी जानकारी मिलती है आप उसको सार्वजनिक मंच से बोल देते हैं? आप सुनिए, देखिए, अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं, तो आपके पास आधिकारिक दस्तावेज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 18,000 बच्चों का होना चाहिए। दीप कमल जी, ये जनता टीवी नहीं कह रहा है, ये जनता टीवी नहीं कह रहा है, आपको बता दें, ये गाँव के सरपंच कह रहे हैं। हम सरपंच से आपकी सीधी बात करा देते हैं। विजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, खांडा खेड़ी के वो सरपंच हैं, उनका साफ तौर पर कहना है। विजेंद्र जी जवाब दीजिए, जितना विश्वास, जितनी अहमियत आपको खंडा के, मैं अगर इन चार लड़कों से ऊपर किसी पांचवें का सिलेक्शन पा जाए नहीं खंडा खेड़ी में, जो ये बस रहे हैं, तो मैं भरे उससे कहता हूँ, हमारे 1.5 साल तो हमारा बकाया, हम अपनी राजनीतिक सिर अपने पद से वो कर लेंगे। नहीं, दुष्यंत चौटाला भरे स्टेज के ऊपर माफी मांगे, गलती माने, हमने ये नहीं कहा वो गांव बदनाम, दुष्यंत के बदनाम करने से नहीं होगा। हमने ये कहा भाई, हमारे जो झूठा लाठन लगा जा रहा है नी, काबिलियत के तौर पर चार बच्चे लगे तो चार बताएंगे हम, इससे बड़ी उससे चेतावनी देते हैं दुष्यंत चौटाला को, अगर इन चार बच्चों से ऊपर एक भी बच्चा लड़का लगा पा गया तो हम बड़ी उसमें मतलब कैप्टन साहब समेत हम पूरा गांव दुष्यंत चौटाला से वो मानेंगे, और यह दुष्यंत चौटाला हमारे को वो दे। दीप कमल जी जवाब दीजिए, सुन रहे हैं आप ब्रजेंद्र जी को? अगर आप मेरी आवाज टीवी पर जाने देंगे तो मेरे जवाब देने का फायदा है, अगर जी, आप बोले, बोले। जब चाहे आवाज बंद कर देंगे और अपनी मर्जी से अपनी बातें रखते जाएंगे तो फिर मुझे फोन। दीप कमल जी, कोई आपकी आवाज दबा नहीं रहा है, कोई आपकी आवाज बंद नहीं कर रहा है, तो दिखाई बोले, दिखाइए आधा घंटा और एक घंटा और दिखाइए, सारे हरियाणा को पता चल जाएगा कि ये चैनल किसका है और आप क्या राजनीति कर रहे हैं चैनल के जरिए। आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, आप भी लेकर के आइए, निष्पक्ष बात हो रही है। 15 दिनों से आप ये बताइए मुझे, आप पिछले बताइए, पिछले 15 दिनों से दुष्यंत चौटाला गांव-गांव जा रहे हैं, जन चौपाल कर रहे हैं, 15 दिनों में 5 बार भी खबर दिखाई है क्या आपके चैनल ने? दीप कमल जी, आप एक उसमें से एक दीप कमल जी, दीप कमल जी, सरपंच का जवाब दे दीजिए, सरपंच हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सरपंच का जवाब दे दीजिए। आप सुनिए मेरी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 18,000 बच्चे अगर चयनित हुए हैं, क्या आपके पास 17,995 बच्चों की लिस्ट है जो खांडा खेड़ी गांव के नहीं है? और क्या आपको ये पता है कि गांव के बच्चे, कोई रोहतक का एड्रेस, कोई जींद का एड्रेस, कोई पंचकुला का, कोई गुड़गांव का, कोई फरीदाबाद का, कोई दिल्ली का एड्रेस, वहां का एड्रेस? दीप कमल जी, आपके पास लिस्ट है, सरपंच मना कर रहे हैं, हमने सरपंच को जोड़ रखा है, वो मना कर रहे हैं, उनका गांव के लोग बोल रहे हैं। मैडम, हम इनको चेतावनी देते हैं, मतलब हम कभी भी कोई गांव के एड्रेस से बाहर कोई वो नहीं, फोरम वो नहीं करते, हमारे जो बाहर के रहते हैं बाहर के एड्रेस के हिसाब से जहाँ उनका वो बना हुआ है वहाँ से करते हैं। हम इसको दीप कमल जी को हम गाँव में बुला के आप मीडिया के माध्यम से हम इसको पत्थर प्रूफ देंगे। दीप कमल जी, ब्रजेंद्र जी प्रूफ देने को रेडी हैं, आप क्या प्रूफ दीजिएगा? तो आप दिखाइए ना, दिखा दीजिए, क्या मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लिस्ट ले आइए ना, उसमें दिखाइए। दीप कमल जी, सवाल आपसे बन रहा है, आपके नेता ने सार्वजनिक मंच से बोला है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति हो रही है तो मैं ये बता रहे थे, नानंद में इतने बच्चे लगे, मैंने पलवल में उनका दिमाग बौखला चुका जी। एक शख्स पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला है, दो शख्स दो बात कही आप, उसके हिसाब से एक को सच्चा और एक को झूठा बता रही है। आपके पास हरियाणा दीप कमल जी, हम आपको प्रूफ देंगे, आपको सबूत देंगे। विजेंद्र जी आपको यहाँ पर, विजेंद्र जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में जवाहर यादव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं आप जी। जवाहर जी बोले, देखिए मैं उत्तर देता हूँ दीप कमल जी का। दीप कमल जी कह रहे हैं कि 65 लोगों का लगी, कैसे बदनाम किया गया गाँव को वो बताता हूँ। दुष्यंत चौटाला का बयान ये था कि कैप्टन अभिमन्यु ने अपने गांव के 65 लोगों ने फार्म भरा और 65 के 65 लोगों को नौकरी मिल गई डी ग्रुप की। उन्होंने कहा कैप्टन अभिमन्यु का गांव जी, ऐसा कह के उन्होंने बदनाम किया था। आज हमसे आरोप लगाया, रिपोर्ट दो। उन्होंने अगर ये कहते ना कि एक गाँव की लग गई, उन्होंने कहा कैप्टन अभिमन्यु ने, ये योग्यता की बात करते, उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु पे आरोप लगाया था कि ये योग्यता की बात करते हैं और इनके गांव के 65 लोग फॉर्म भरते और 65 के 65 नौकरी लग जाते, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है, इसलिए गांव बदनाम हुआ है।
आप भी एक गांव से 65 लोग भी नौकरी लग सकते हैं, 100 भी लग सकते हैं, एक भी नहीं लग सकता। परंतु उसने कहा देखो ये कैसी पारदर्शिता है कि 65 लोग फॉर्म भरते हैं और 65 के 65 कैप्टन अभिमन्यु के गांव के। ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। दुष्यंत चौटाला ने यहाँ हमारे नेता का भी चरित्रहन कोशिश किया और गाँव के लोगों को भी कहा है कि तुम में कैसी योग्यता है, तुम तो कैप्टन अभिमन्यु के कारण लगे। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं इसके कारण गाँव अपमानित हुआ है, इसके कारण जो लोग चयनित हुए वो अपमानित हुए हैं। जिन्होंने आगे फॉर्म भरने हैं अगर उनकी नौकरी लगती है अपनी योग्यता के आधार पर, तो ये जेजेपी ये इसलिए अपमानित करेगी कि देखो तुम कैप्टन अभिमन्यु के गांव के हो, तुम में योग्यता नहीं है, जेजेपी के अनुसार तुम इसलिए लगे हो कि वहाँ कैप्टन अभिमन्यु का गाँव है, इसके कारण गाँव बदनाम हुआ है। जी दीप कमल जी, 65 लोगों की लिस्ट है आपके पास है? जवाहर यादव जी लगातार बोल रहे हैं, ब्रजेंद्र जी बोल रहे हैं, उनके पास साक्ष्य मौजूद है, वो आपको गांव में साक्ष्य मीडिया के सामने दिखाने को तैयार हैं। आपके पास क्या साक्ष्य है कि 65 लोगों ने एग्जाम दिया और 65 का सिलेक्शन हो गया? मैडम एक तो मुझे आपका नाम नहीं पता, ब्रजेंद्र नहीं, पूजा मोहन पांडे नाम है मेरा। हाँ पूजा जी जी, आप झूठा आप बता रही हैं दुष्यंत चौटाला को, मैं विजेंद्र शर्मा जी को झूठा नहीं बता रहा हूँ। जब आप किसी को झूठा बताते हैं तो साक्ष्य आपके पास होने चाहिए, आपके टेबल पर होने चाहिए, आपकी स्क्रीन पर होने चाहिए। दुष्यंत चौटाला स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं दीप कमल जी, हम स्क्रीन पर लगातार 5 लोगों के नाम दिखा रहे हैं। आप 5 के बता रहे हैं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ हम तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका बता रहे हैं। आप कह रहे हैं 65 का सिलेक्शन हुआ, आप 65 के नाम बताइए। नहीं आपने फिर लॉजिक नहीं पढ़ा है, आपने लॉजिक नहीं पढ़ा है। इसका मतलब उसमें ये होता है कि 5 लोग ये हैं, इन 5 लोगों के होने से ये साबित नहीं हो जाता कि 17,995 में कोई खंडाखेड़ी गांव का नहीं है, इससे ये साबित नहीं होता है। इससे इतना साबित होता है कि ये पांच दुष्यंत चौटाला को पता है, अरे तुम्हारे पास नहीं है क्या पता हो सकता है, चार बार से युवाओं को घूम रहा है, हमारी सरकार आएगी। आपके पास लिस्ट है या नहीं है? देखिए पूजा जी, आपने जवाहर यादव जी को 3 मिनट लगातार बोलने का वक्त दिया, मुझे 30 सेकंड। मैं आपको पूरा अवसर दे रही हूँ, पूरा अवसर आपको दे रही हूँ। मैं आपसे इसलिए भी एक बात पूछना चाहता हूँ, 22 तारीख से आज 31 हो गई, दुष्यंत चौटाला रोज गांवों में जाकर अलग अलग मुद्दे राज्य सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं। आपके चैनल ने पिछले 10 दिनों में 10 बार भी खबर दिखाई, आपने कुछ पढ़ी हो तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, आपके पास जवाहर जी, जवाहर जी पूजा जी चुप हो जाए तो जवाहर जी चुप नहीं होंगे। दीप कमल जी, दीप कमल जी, दीप कमल जी, दीप कमल जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जिन लोगों का जिक्र दुष्यंत चौटाला जी ने सार्वजनिक मंच से किया है, क्या उनकी लिस्ट आपके पास है? आप मुद्दे को भटकाइए नहीं, मैं भटका, आपको लग रहा है कि आप मुद्दा भटका करके आप बात बदल देंगे, तो पहले ये बताइए कि कारवा लूटा कैसे, मुद्दा भटकाइए नहीं। मैडम शेर शायरी मुझे भी बहुत आती है, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप रोज खबरें पढ़ती होंगी, पिछले 10 दिनों में आपने दुष्यंत चौटाला की कोई खबर पढ़ी है क्या? मैं दीप कमल जी आपसे ये पूछ रही हूँ, लिस्ट आपके पास है क्या? दीप कमल जी लिस्ट आपके पास है क्या? 65 लोगों की लिस्ट जेजेपी के पास है क्या? हम 5 लोगों के नाम दिखा रहे हैं, 65 के और दिखाएंगे। आप ये देखिए ना कि टीवी दीप कमल जी ऑन एयर में आपसे बोल रही हूँ, हम 5 के नाम दिखा रहे हैं, हम 65 के और दिखाएंगे। सारा मीडिया सारी चीजें तो जो है सरकार ने अपने कब्जे में कर रखा है, हमें तो ऐसे विषयों पर तो आप टीवी पर लेकर आते हैं, उसके अलावा याद कीजिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि पिछले 3 महीने में कभी मुझे आपने क्या कह रहे हो आपके चैनल में। दीप कमल जी, आप बता दीजिए, दीप कमल जी जितनी प्रमुखता से ये खबर हम दिखा रहे हैं उतनी ही प्रमुखता से हम 65 लोगों के नाम भी दिखाएंगे। आप हमें लिस्ट मुहैया कराइए, सार्वजनिक मंच से दुष्यंत चौटाला जी ने बोला है कि 65 लोगों की, 65 लोगों ने एग्जाम दिया, 65 लोगों की भर्ती हो गई, तो वो 65 लोगों के नाम आप हमें प्रोवाइड कराइए, हम प्रमुखता से चलाएंगे। उसका जवाब मैं दे चुका हूँ आपको, फिर से तीसरी बार दे देता हूँ, दुष्यंत चौटाला एक सार्वजनिक शख्सियत है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गांव के लोग या फिर ये बात बता रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि उस बात को आवाज दे, उस बात को उठाएं। ये लोगों ने मतलब गांव के बार बार गांव के सरपंच की कोई कीमत नहीं है, गए हैं महम में, गए हैं जुलाना में, गए हैं सरपंच की कोई कीमत नहीं है, में गए हैं, ये सारे नारनौंद के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग आकर बात बता रहे हैं। तो दीप कमल जी, ये मान लिया जाए कि जेजेपी की तैयारी क्या इतनी कमजोर है कि कोई भी कुछ भी कहकर क्या के चला जाएगा और वो आप सार्वजनिक मंच से बोल देंगे? अरे वो क्यों नहीं बोलेंगे, उनका काम है, लोग जो आकर उनको फीडबैक देंगे क्यों नहीं बोलेंगे? अगर मीडिया ने या बीजेपी के नेताओं ने लोगों की बात उठानी बंद कर दी है तो क्या हम भी वही कर दें?
दीप कमल जी आप 65 लोगों की लिस्ट दे दीजिए ना, या फिर ये कह दीजिए कि आपके पास लिस्ट नहीं है। गांव के लोगों को अपमानित करना, मैं पूजा जी मैं भी बोलना चाहूंगा, कोई अपमानित नहीं कर रहा है द्वार जी, कोई अपमानित नहीं कर रहा है पूजा जी, मैं ये कह रहा हूं पूजा जी मैं भी बोलना चाहता हूं। दीप कमल जी जवाहर जी को सुन लीजिए, बता रही है तो साक्ष्य आपको लेकर बैठने चाहिए थे। देखिए ये नहीं बताया है हमने। हाँ मैं बता रहा हूँ किसने बताया, मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए दीप कमल जी, दीप कमल जी सुन लीजिए, अपने पास 17,995 लोग हैं और इनमें, अरे वो मैं सूची दे रहा हूँ, मेरे से ले लो सूची पते के तौर पर, मेरे से ले लो 18,000 की सूची मैं दे देता हूँ आपको, आप जा रही है ना आप लीजिए। हाँ अच्छा सुन लीजिए, हमें तो इंतजार है। अरे मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 18,000 की सूची आपको मिल जाएगी और बताए। दूसरा विषय ये नहीं है कि कितने लोग लगे कितने नहीं लगे, जब एक नेता जिसको आप कहते हैं गंभीर नेता है और बड़ा नेता भी आप मानते हैं, गांव गांव जा रहा है कुछ लोगों ने कहा, तो वो गंभीर व्यक्ति कैसे हुआ जिसने तथ्यों की पुष्टि नहीं की और उसने ये कहा कि कैप्टन अभिमन्यु के गांव से 65 लोगों ने अप्लीकेशन की और 65 के 65 लोग नौकरी लगे, ये कैसी योग्यता की बात करते हैं। प्रश्न तो इस चीज का है, जब आपने आरोप लगाया, आप ये कहो जी हमने आरोप लगा दिया, उत्तर आप दो, एक मिनट तो बता चुका हूँ, एक लाइन और बोल लेता हूँ आप बोलने नहीं देंगे जी। आप आरोप ये है कि उन्होंने कहा कि 65 लोगों ने डाला और 65 के 65 लोगों की नौकरी लगी, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है ना कि मीडिया की ना कि बीजेपी की। देखिए 65 तो आप ये कहते थे कि ये 65 लोगों की सूची है, इन लोगों ने अप्लाई किया था, ये 65 के 65 लोग लग गए, तो इसलिए अगर कोई आरोप लगाने से पहले उसकी अगर तैयारी नहीं है तो मुझे लगता है इस तरह से गांव के लोगों को आप अपमानित करेंगे, इनकी योग्यता को अपमानित करेंगे, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला ने गलती की है और इसमें माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो ये कुल मिलाकर गाँव गाँव तक ये विषय जाएगा। और ये केवल इनका नहीं, आप हरियाणा के 70,000 लोगों को अपमानित कर रहे हैं जो योग्यता के साथ नौकरी लगे हैं, ये अगर गड़बड़ है तो फिर सब जगह ही होगी ना। चलिए जवाहर जी, जवाहर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को अहम बनाने के लिए। दीप कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता टीवी सामने से जेजेपी को ये कह रहा है कि आप 65 लोगों की लिस्ट लेकर के आइए, जितनी प्रमुखता से ये खबर चलाई गई है उतनी ही प्रमुखता से 65 लोगों का नाम भी चलाया जाएगा। हम जनता की ताकत है, हम आपकी बात करते हैं, हम किसी पार्टी या नेता की बात नहीं करते, यहां पर बात हो रही है जनता की निष्पक्षता की बात हो रही है। जेजेपी लिस्ट लेकर के आएगी, वो लिस्ट भी उतनी ही प्रमुखता से चलेगी। फिलहाल यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हम आपकी ताकत। नमस्कार, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।